खबर शहडोल से है, जहां कॉलरी प्रबंधक की लापरवाही एक बार पुनः उजागर हुई है। कोयला माइंस में आए दिन भ्रष्टाचार को लेकर नया नया मामला सामने आ रहा है। यहां डीओ को लेकर रोजाना हड़ताल जैसी स्थिति निर्मित होती है। कॉलरी अधिकारी अपनी जेब गर्म करने के लिए क्षमता से अधिक का डीओ पास करा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन सड़कों में चक्का जाम लगा रहता है। तो वहीं ट्रांसपोर्टर आए दिन इन समस्याओं से जूझते नजर आते हैं। तो वहीं कॉलरी के पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी गाड़ी फॉरेस्ट में खड़ी होती है, लेकिन वन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। आपको स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है? कल तक चेंज भाई है, आज चेंज नहीं है। भाई गाड़ी रुक के चेंज भाई है, बंद ही कर दे तो सही है। आज एक तारीख से दुकान है बंद बाजार। हम लोग को आज आप क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वार्ड नंबर 1 धनपुरी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। ये SECL में आज इतना जाम और विरोध किस बात को लेकर के है? हम लिफ्टिंग करते हैं कटनी की पार्टी का, और उसकी लास्ट डेट थी आज 19 तारीख, ठीक है। और यहाँ जो धांधली चल रही है GM ऑफिस से लेके यहाँ तक, उसकी वजह से जो लोगों ने दिया ज़्यादा उनका निकल गया और हमारा फंस गया। क्या ज़्यादा दिया? पैसे। और हमारा किस बात के पैसे? रिश्वत जी। और मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि कल मैंने आपको रिपोर्टिंग की, आपने मैंने आपको कल बताया जी, धमकियाँ मिल रही हैं। क्या धमकियाँ मिल रही हैं? क्या आपने ऐसा क्यों किया? काम बंद हो जाएगा, मतलब रिश्वत नहीं देंगे तो काम बंद हो जाएगा। उसके अलावा क्या, मेरा DO था वो लैप्स हो रहा है। आज गाड़ियाँ मुझे 5 मिली हैं, 1818 टन बैलेंस है मेरा आज की तारीख में। आपने आपके बताए अनुसार आपने बताया कि 27 तारीख और 23 तारीख की गाड़ियाँ, बहुत लेजर उठा के देख लें, इंक्वायरी करवा लें। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इंक्वायरी करो, ले जाओ उठा ले। मतलब अभी वो डेट नहीं आई, उसके पहले डीओ लिफ्ट हो चुकी है, काफ़ी लिफ्टिंग हो गई है। हमारे में कितना लिफ्ट हुआ है? 1818 टन बचा 2000 टन में। आप क्या चाहते हैं? हम भी देते हैं। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सबके साथ बराबर का, जब वो तो चल ही रहा है ऊपर से नीचे तक, तो कम से कम सबको बराबर लेके चला जाए। ये हमको बताया जाए कि आपको भी इतना लगेगा तो हम भी देते तो आइए, बट उनका ज़्यादा है तो उनसे ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा लो ना। और आपने बताया कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, मिल रही है, कि आपने ऐसा क्यों उजागर किया, जबकि मैं 31 साल से काम कर रहा हूँ इसी ट्रांसपोर्ट लाइन का, इसी कोयले का। अब धमकियाँ मिल रही हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया चैनल पे। आप अब प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हमारी हमको इन लोगों से बचाया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए, और ये लोग गलत तरीका अपना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, यहाँ वहाँ से कॉल आ रहे हैं, या कॉल नहीं करते क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आदमी भेज रहे हैं, ये आदमी ऐसा क्यों किया। मैं 31 साल से सह रहा था, आज नहीं सहा जाए तो मैंने बोल दिया।